मेरी ना सारी सीक्वेंस बिगड़ गई है। मैं अपनी सीक्वेंस के हिसाब से काम करती हूँ ना, तो मेरा काम बहुत बढ़िया से हो जाता है सारे दिन का। 12:30 हो गए हैं और मैंने अब मशीन चलाई है, क्योंकि समृद्ध खेल के आया तो उसको भूख लगी हुई थी, तो फटाफट से मम्मी कुछ बना दो। पहले उसने बोला कि कल वाला ही सैंडविच बना दो, तो मैं उसकी तैयारी करना शुरू कर ही रही थी, तो जैसे ही मैंने चॉपर धोया मेरी नज़र पड़ी कुकर पे कि अरे आलू उबले हुए हैं। आलू वैसे मैंने कोको के लिए मेनली उबाले थे, पर ज़्यादा उबाले थे, तो मुझे लगा समृद्ध तो खुश होकर खाता है, तो मैं आलू के सैंडविच बना देती हूँ उसको फटाफट से, क्योंकि दिया का मुझे पता नहीं था वो खाएगी नहीं खाएगी। तो आलू के सैंडविच के लिए अभी आलू मैंने गर्म पानी से निकाल के ठंडे करने के लिए रखे कि भैया बनाती हूँ। उतनी देर में दिया आ गई, दोनों ने आपस में कोई बात की, तो जी पास्ता खाना है, मैगी पास्ता खाना है। तो वो गया फटाफट से जाके मैगी पास्ता के 2 पैकेट लाया, मुझे बोला कि आप बस चढ़ा दो हम अपने आप बना लेंगे। चढ़ा के मैं अंदर आ गई, अब वो दोनों तो खा के चले गए सोने, वो तो उठा फिर वापस सोने चला गया। कोको को दूध डाला, दूध नहीं पी रहा, वो ऑलरेडी दूध ब्रेड खा चुकी हैं। अब उसके बाद क्या होता है ना, जब आप एक लय में काम करने की आदत बना लेते हो ना, तो वो लय टूटती है ना, तो कुछ काम नहीं होता। अब जब तक वो पास्ता बना रहे थे, मैंने जो रात को कपड़े उतारे थे वो तय लगा के समेट लिए, सिर में दर्द हो रहा बहुत तेज़। फिर मैंने अब मशीन लगाई है, अब मैं जाऊँगी किचन में, अब अपने लिए सोच रही हूँ क्या बनाऊँ। तो आज मैं सोच रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि मैं कोशिश करूँगी कि मैं लाइट लाइट खाऊँ, तो कल भी मैंने वो दिन में जो खाई थी इतनी सी कढ़ी खाई थी, चावल नहीं खाए थे। फिर उसके बाद मैंने रात को इतनी सी चावल और 1-2 पकौड़ों के साथ कढ़ी ली थी, थोड़ी सी कढ़ी रखी हुई है। पर मम्मी आज आपने ना कुछ डिफरेंट किया है, इसके अंदर कुछ अलग किया है, आज पसंद नहीं आई कढ़ी, बताओ। अब वो इतनी सारी कढ़ी मैं किसको दूँ, पापा ने तो लड़के खाया नहीं, उनको वैसे भी कढ़ी ज़्यादा नहीं भाती, मतलब बहुत रेयरली खाते हैं। बच्चे जो दोनों हैं वो नखरे दिखा रहे हैं, अब मैं क्या करूँ उन कढ़ी चावल का, और कढ़ी खटाई वाली होती है तो वो किसी को देते भी नहीं है, क्या करूँ, कूड़े में फेंकूँ इतनी सारी कढ़ी? और फिर अगर वो 1-2 दिन चलाऊँगी कि भाई खुद ही खाऊँगी ना, तो खुद खाऊँगी तो पेट ख़राब होगा मेरा। तो मैंने रखी हुई है, समृद्ध को बोलूँगी कि थोड़ी तू खा थोड़ी मैं खाती हूँ, थोड़ी अगर हुआ तो विनीता को दे दूँगी। यार एकदम से सिर में बहुत तेज़ दर्द शुरू हो गया। तो मैं जा रही हूँ अब अपने लिए हल्का फुल्का में सूजी के बॉल्स बनाने, तो ये बिना आलू के बिना किसी और चीज़ के सिंपल सूजी बॉल्स बना रही हूँ मैं, तो वो मैं आपको रेसिपी शॉर्ट्स में दिखा दूँगी। डाइट के लोग जो डाइट करते हैं बहुत ज़्यादा वो भी खा सकते हैं, जो हल्का खाना पसंद करते हैं, मतलब जिनको रात को भी अगर कभी ऐसा है कि ज़्यादा हैवी खाना नहीं खाने का मन है, हल्का हल्का खाना चाहते हो, आप तब भी खा सकते हो। और मॉर्निंग इवनिंग तो छोड़ो, अगर आप मिड डे में भी कभी भी ऐसा है कि आपको बिल्कुल लाइट लाइट खाना है, वो बहुत ही लाइट है और फुलफिलिंग है, मतलब अगर आप 2-3 बॉल्स भी खा लेते हो ना, सूजी एक्चुअली फुलफिलिंग होती है, तो उससे आपका पेट भरा रहेगा। इसमें ना दही है, ना आलू है, ना कोई और चीज़ है, सिर्फ सूजी से बनेगा ये, और ऊपर से जो भी मसाले आप डालना चाहो, मैं सिंपल मसाले डालूंगी। सूजी मैंने मिक्स कर दिया, गेम चल रही है इसकी, सूजी मैंने मिक्स कर दी है, और ये देखो इसको मेरी ही जगह पे बैठना है। आ गयो कोको, चल आ गयो, चल उधर हो, देखो बुर्राएगा मेरे, चल। सूजी मैं मिक्स करके और ठंडी होने के लिए रखा ही हूँ, वो ठंडी हो जाएगी फिर उसके हम बनाएंगे बॉल्स और उसको करेंगे फ्राई, बहुत टेस्टी बनते हैं, बहुत टेस्टी, मैं आपको बताऊँगी क्या चीज़ है, बहुत मस्त चीज़ है। कड़ी पत्ता नहीं है, नीचे से लाना पड़ेगा, देखते हैं। लो टेस्ट करो, टेस्ट बहुत बढ़िया। चलो अब देखते हैं विनीता को कैसा लगता है, पोछे वाले हाथ में ना हाथ धो लेंगे। हाँ टेस्टी है, चटनियाँ नहीं है, ग्रीन चटनी हो, मूंगफली की चटनी हो, या फिर केचप के साथ भी खा सकते हैं, तो मैं तो ऐसे ही खा रही हूँ, मुझे तो 2-4 खाने हैं बस। बट रेसिपी बहुत इजी है, थोड़ा सा टाइम लेती है ठंडा होने में सूजी, अदरवाइज़ बहुत जल्दी बनती है और बहुत फुलफिलिंग होती है। चलिए मैं खा लेती हूँ नाश्ता, तब तक विनीता किचन साफ़ कर रही है, फिर देखती हूँ क्या करना है, क्योंकि समृद्ध भी मना कर रहा है कढ़ी नहीं खाएगा। अभी बस शिमला मिर्च के अलावा कोई सब्ज़ी नहीं है, गाजर है, मटर है, तो या तो गाजर आलू मटर बना लूँगी, या तो या फिर शिमला मिर्च आलू बनाऊँगी, दोनों में ही आलू डलेगा। चलिए खा लेती हूँ पहले गर्म गर्म आज। अरे बाप रे, आपको दिखूँगी भी नहीं मैं, अभी संध्या हो चुकी है, ओम सेना, और मैं आज बताऊँ आपको, साल 6 महीने में जब वो 1 दिन होता है
जब मेरे को नींद आ जाती है दिन में, आज वो वाला दिन हो ही गया जो इतने दिन से शरीर में थकावट पेन्स वो सब चल रही थी ना, आज देखो हावी हो गई मुझसे। मैं नहा के आई, आके मैं थोड़ी देर टीवी देखते देखते ऐसा सोई, अब आँख खुली है। जब समृद्ध गया खेलने, पूरे 7 हो गए हैं। आज तो दूध भी फ्रिज में नहीं रखा। खाना भी नहीं बनाया, कुछ भी नहीं सोचा भी, मैंने तो सोचा भी नहीं है कि क्या बनाऊंगी। तो मैं शिमला मिर्च आलू बना रही हूँ, बस 3 ही शिमला मिर्च रखी है, वो भी छोटी छोटी सी। तो फटाफट से शिमला मिर्च आलू की सब्जी बना देती हूँ। कढ़ी और चावल भी हैं, दोनों चीज़ रल मिल के पूरी कर देती हूँ। फटाफट से काम करना पड़ेगा मुझे। सब्जी चढ़ा दी सिम पे, और ये मैंने ना सूजी का और बना के रख दिया है बैटर, क्योंकि समृद्ध ना सारे बॉल्स खा गया, उसी से पेट भर गया। मैंने वही बोला था उसको, जो चीज़ तुमको स्वाद लगती है ना वो तो तुम दबा के खाते हो, और वही चीज़ अगर कोई चीज़ मैं बनाती हूँ और जरा सा पसंद ना आ रहा हो नहीं खाते, जैसे कढ़ी चावल अभी भी भरे पड़े। तो मैंने दिया के लिए ये बैटर बना के रख दिया, उठेगी तो उसको तल दूँगी। और वैसे सब्जी बना दी है, क्योंकि कौन ही मत्था फोड़ी करेगा यार, कढ़ी खा लो, कढ़ी भी खिला दूँगी थोड़ी सी, तो खा लेंगे, एक सब्जी और होगी ना साथ में, फिर तो खा लेंगे। दिन में मुंह देखो कैसे सूज गया मेरा। कोशिश कर रही हूँ कि शाम की चाय अवॉइड कर सकूँ, तो गाजर ले आ गई हूँ। कोई फ्रूट था नहीं आज घर में, कल थर्सडे है ना, कल आएगा फ्रूट। अब चलिए, मैं टीवी नहीं चला रही, थोड़ी देर ऐसे ही लेटी हूँ आँखें बंद करके, गाजर खाती हूँ तब तक सब्जी हो जाएगी। देखो दूसरा बाउल भी खा ली, और शिमला मिर्च आलू की सब्जी और दही, टिफिन बंद नहीं होता मेरे से। तो अब बस समृद्ध और मैं खाएंगे खाना, पापा तो पता नहीं खा नहीं रहे अभी, बाद में खा लेंगे सब्जी। और ये रही मेरी कड़ी, खानी पड़ेगी, कुछ नहीं कर सकते, कौन खाएगा इतनी सारी कड़ी, मुझे ही खानी पड़ेगी जी। हो गया खाना पीना सारे काम। आज मीठे में मैंने बनाई है थोड़ी सी सेवियाँ, बहुत मन कर रहा था मीठा खाने का। और तो मेरे पास गोलियां हैं, टॉफियां हैं, ये मीठे वो होते हैं तोशे, वो भी हैं पर सेवियां खाने का बहुत मन कर रहा था। इवन मेरा तो दूध सेवियां खाने का मन कर रहा था, बट ये इसमें से मैं नहीं लूँगी, ये तो जिसके लिए बना रही हूँ उसको ही जाएगा, अपने लिए मैं और बट लूँगी। तो तब दूध सेवियाँ बनाऊँगी। दूध सेवियाँ ना बाज़ार वाली दूध सेवियाँ होती हैं, बॉम्बिन होती हैं, उसमें अच्छी नहीं लगती। तो अब मैं आई थी आपसे गुड बाय शुभकामनाएं करने के लिए। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं और बहुत सारे जवाब देने हैं, बातें करनी हैं, बट अभी ना जो हमारा कंटिन्यूटी है वो ख़राब हो रखी है, अभी हम 2 दिन पीछे चल रहे हैं, तो मुझे फटाफट से पहले वो मच करना होगा। तो मैं सोच रही हूँ कि एक दिन बीच में ऐसा रखती हूँ जिस दिन मैं सिर्फ कमेंट्स के जवाब दूँगी। तो अभी आज मुझसे एक सवाल पूछा था डेबी राइट जी ने, तो मैंने उनको बता दिया था कि मेरे शॉर्ट्स में कांजे की रेसिपी है, बट अगर उनको प्रॉब्लम होती है ढूंढने में या उनको नहीं मिलती है, वैसे वो मेरे पेज पे जाएंगे तो उनको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, वीडियोस भी आ जाते हैं, शॉर्ट्स भी आ जाती हैं, तो वहाँ पे मिल जाएगी कांजे की रेसिपी। मैंने इस बार स्पेसिफिक मेजरमेंट से बताया है कि कितना लीटर पानी लिया है, कितना मैंने चुकंदर लिया है, कितना काली गाजर लिया है, कितना नमक मिर्ची डाला है, बट फिर भी मैं प्रेफर करूँगी और रिक्वेस्ट करूँगी कि आप नमक मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। ज़्यादा हो जाएगा तो आप कम नहीं कर सकते हो, मेरा टेस्ट अलग है आपका अलग होगा, ज़्यादा हो जाएगा तो आप कम नहीं कर पाओगे, पानी ऐड करना पड़ेगा, फिर 2 दिन वेट करना पड़ेगा कि पानी उसमें डाइल्यूट हो जाए। इससे बेटर है आप कम डालो, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालो, और अगर आपको कम लगता है तो आप एट ए टाइम और डाल सकते हो, नमक तो 1 मिनट में घुल जाता है। बाकी अभी मेरे चेहरे पर इतना ग्लो आ रहा है, क्या बात है, सिर्फ ब्लीच कराइए, ब्लीच से देखो चेहरा कैसा हो गया। तो चलिए फिर कल मिलते हैं, अगर फिर भी कोई ऐसी चीज़ है जो आप बात करना चाहते हैं या आप पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट का जवाब हाथों हाथ दे देती हूँ। जो वीडियो बनाने का प्रोसेस होता है ना, उसमें फिर मेरे को मेरे रूटीन से हट के वीडियो बनाना पड़ता है, तो इसलिए मैं जब आप सवाल करते हैं मैं उसी वक्त जवाब दे देती हूँ, क्योंकि इतने सारे लोग तो करते नहीं, कोई 5-6-7 लोगों के कमेंट्स आते हैं तो मैं उनसे कम्युनिकेट कर पाती हूँ। तो चलिए फिर दोबारा से कुछ ना कुछ खाने ले आऊँगी इससे पहले, तो मैं चलती हूँ, कल मिलती हूँ। और कल पहले नहीं बोलती, सोचा तो बहुत कुछ होता है पर होता कुछ भी नहीं है, आज भी पूरा दिन सोने में निकल गया तो चलिए कल मिलते हैं अच्छी सेहत, अच्छे दिन और अच्छे मूड के साथ। तो प्लीज़ लाइक कीजिए,
सब्सक्राइब कीजिए और अपनी फैमिली को बढ़ाने के लिए शेयर कीजिए, रेकमेंड कीजिए, आगे बढ़ाइए। बाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम ठीक भी हैं। रात से लूज मोशंस, वॉमिटिंग्स हो रही थी तो बिल्कुल उठा ही नहीं गया मेरे से। मुझे लगा शायद सर्वाइकल अटैक आ गया वापस से, बहुत डर लग रहा था और बीपी लो हो गया, बहुत ज़्यादा बीपी लो हो रखा है। समृद्ध अकेला था तो संभाल भी नहीं पा रहा था, तो दिया को उसने फ़ोन किया, दिया आ गई है, थोड़ा आज एक घंटा जल्दी छुट्टी लेके आई है। बीपी एसएच तो चेक नहीं किया पर लग यही रहा है कि बीपी लो हो गया है। अभी मोशंस तो रुक गए हैं, मोशन नहीं आए दोबारा। सुबह उठी थी मैं, पेंटोसिट खाई गैस की गोली और उसके बाद फिर समृद्ध से चाय भी बनवाई थी बट मेरे से उठा ही नहीं गया। उसके बाद दिया आई, दिया ने पकड़ के बैठाया, उठा के फिर चाय पिलाई मुझे, दो तीन रस खिलाए, तो बस उसके बाद इतनी हालत हुई है कि मैं बात करने लायक हुई हूँ। अभी दिया ने जाना है और दूसरी बेटियाँ जिनकी शादी हुई थी उसके घर जाना है आज, तो उसको यही टेंशन हो रही है कि मैं जा रही हूँ आपकी तबीयत ख़राब है, पीछे से आप कैसे मैनेज करोगे। और विनीता को भी आज बुखार चढ़ गया और पूरी किचन में बर्तन ही बर्तन रखे, तो यही बोल रही है कि कुछ करना मत, बाहर से ही खाना मंगा लो, मेनली तो खाने का ही काम होता है। और कपड़े को धो के जा रही है, अब उसने कपड़ों की मशीन लगा दी है, कह रही है मैं धो के सुखा के चली जाऊँगी। सिर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, बहुत तेज़, कल भी हो रहा था, परसों भी हो रहा था, इतनी हालत नहीं हो रही, फ़ोन भी नहीं पकड़ा जा रहा मुझसे। और जब मेरी ऐसी हालत होती है ना, मेरे को अपनी मम्मी की बहुत याद आती है, बहुत याद आती है मम्मी की। जबकि ऐसा नहीं है कि मम्मी पास में बैठ जाती थी या कुछ, बस मम्मी से बात हो जाती थी। सेमी आ गया, चलिए थोड़ा सा रोना आता, बी पी लो होता है तो रोना आ जाता है, आती हूँ थोड़ी देर। पौने चार हो गए हैं, अब थोड़ा सा उठी हूँ मैं, थोड़े कपड़े सेमी ने उतार के रख दिए थे यहाँ पे और पोछे वगैरह सुखा दिए थे, सिर्फ पोछों की मशीन लगा पाए बच्चे क्योंकि वो भी थके होते हैं ना। कोशिश कर रही थी कि बैठ के कुछ एनर्जी ला सकूं पर ज़्यादा देर लगातार बैठा नहीं जा रहा। फीवर मुझे फील हो रहा है पर बॉडी पे कोई फीवर नहीं है, क्योंकि मेरे प्रॉब्लम है, मेरा ना फीवर बाहर नहीं आता, हड्डियों में रहता है, इसी की वजह से मेरी हड्डियाँ भी कमज़ोर हैं। बीपी अभी ठीक लग रहा है थोड़ा, मतलब मुझे पता चल जाता है बीपी लो है क्योंकि मुझे रोना बहुत आता है और पैरों में बहुत तेज़ दर्द होती है, और कल रात से पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी। एक पैर में तो रहती ही है क्योंकि उसकी जो प्रॉब्लम है वो तो अलग है, और कल तो दोनों पैरों में दर्द हो रही थी। रात को सो भी नहीं पा रही थी, पंखा स्लो करती थी तो घबराहट होती थी। कल मैं दरवाज़ा भी खोल के सोई, मतलब पहले तो खोखो तंग कर रहा था तो मैंने कुंडी लगाती थी, फिर उसके बाद मुझे घुटन सी होने लग गई थी, पंखा फुल किया और दरवाज़ा थोड़ा खोला। और दरवाज़ा खोलने की प्रॉब्लम क्या है ना, ये फिर टिकती नहीं है, अंदर बाहर करती रहती है। अभी भी हथेलियाँ मेरी तप रही हैं तो पता चल रहा है मुझे फ़ीवर है बट बॉडी पे आता ही नहीं है फीवर। भूख लग रही है अब थोड़ी सी, क्योंकि पहले चाय पी थी तो चाय के बाद भी उबाक आने लग गए थे, अच्छा नहीं लग रहा था। अब समझ नहीं आ रहा खाऊं क्या, ऑनलाइन चेक कर रही हूं तो एक खाली ढोकला मंगाने के 50 रुपये का ढोकला मंगाने के लिए 100 रुपये डिलीवरी चार्ज देना पड़ रहा है। एक पाव भर ढोकले के लिए मुझे 180 रुपये पे करना, कुछ समझ नहीं आ रहा। समृद्ध सो गया, नहीं तो यहाँ बाहर की दुकान से मंगवा लेती, उठा के फ़ायदा नहीं है। पहले भी बेचारा अपने लिए और दिया के लिए नाश्ता बाहर से लेके आया, सुबह खेलने गया हुआ था। मैं सोच रही हूँ आलू उबले हुए पड़े हैं तो आलू के पराठे बना, एक पराठा बना लेती हूँ, पराठे कह रही हूँ एक पराठा बना लेती हूँ, बट आटा भी नहीं गूंदा हुआ तो पहले आटा गूंदना पड़ेगा फिर बनेगा आलू का पराठा। अगर आलू का मैं बैटर बना होगा, आटा गूंदा होगा तो फिर तो मैं, बच्चे उठेंगे तो उनको भी बना के खिला सकती हूँ ना। हिम्मत हो नहीं रही पर भूख लगी है, आते खिंच रही है क्योंकि वॉमिटिंग और लूज मोशन की वजह से पेट तो पूरा खाली ही हो चुका है, अंदर कुछ है ही नहीं। सुबह भी बड़ी मुश्किल से 2 रस खाई थी मैंने, क्या करूँ, मुझे बैठा मुझसे जाता नहीं है, सोती रहती तो सोती रहती, दिया ने आके ज़बरदस्ती उठा दिया मुझे कि नहीं नहीं पड़े रहोगे तो फिर और तबीयत ख़राब होगी, उठो पहले चाय पियो। अपना पेट में से आवाज़ें आ रही हैं, गू 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 कर रहा है पेट, बना हुआ फिर वही कढ़ी और चावल है, वो मेरा बिल्कुल मन नहीं है कढ़ी चावल खाने का, बिल्कुल मन नहीं है। शिमला मिर्च की सब्ज़ी भी रखी है पर वही है, आटा नहीं गूंदा हुआ, और मेरे को ना कुछ कूला कूला चाहिए जो मैं दही में डिप करके खा लूँ।
उठना पड़ेगा, खुद ही उठना पड़ेगा। सोच रही हूँ आटा सिर्फ इतना गूंद लेती हूँ कि चार छः रोटियाँ बन जाए, चार छः पराठे बना पाऊँ। आज विनीता की भी तबीयत ख़राब थी तो खाली बर्तन ही बर्तन करके गई है, क्योंकि बहुत सारे थे बर्तन, सफाई नहीं करवाई फिर मैंने आज। उससे बात नहीं की जा रही, नहीं तो मन कर रहा था कि चलो समृद्ध सो रहा है तो उसके फ़ोन से वीडियो बना देती हूँ, आपके जो कमेंट्स आए हुए वही पढ़ देती हूँ, कुछ तो टाइम पास होगा। बैठ के देखो हल्का सा कोशिश की कि दो चार सिलाइयाँ भी बुन लूँ, पर नहीं हिम्मत हो रही बैठने की बिल्कुल भी। सोच रही हूँ उठ जाती हूँ एक बार और करती हूँ कुछ, तो भूख तो मिटानी पड़ेगी। 4 बज रहे हैं, चक्कर और आने लग जाएंगे फिर अगर खाया नहीं कुछ तो। आज ना ऐसी कंडीशन है घर में, ना लिमका है ना कोक है, कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। और फिर अभी ऑर्डर करके मंगाओ तो फिर वही चक्कर है कि डिलीवरी चार्जेस एक चीज़ पे इतने ज़्यादा लग जाते हैं ना। कितना बोल लेती हूँ ना मैं, कितना बोल लेती हूँ, बीमार हूँ, तबीयत ख़राब है, फिर भी बातें करते हुए चैन नहीं पड़ रहा मुझे। चलो अपने पेट के लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा भैया, उठना तो पड़ेगा। जबकि मैंने सोचा हुआ था कि मैं 2-3 दिन ना हैवी खाना कुछ नहीं खाऊंगी, फिर क्या करूं यार, और कुछ लगाया भी तो नहीं जा रहा ना। आती हूँ, देखती हूँ क्या करूँ। उठते